मुल्तान क्राइम रिपोर्टर काशिफ खान के मुताबिक पुलिस थाना न्यू मुल्तान ने आज सुबह कसूरी चौक पर मोहम्मद सलीम के सर में गोली मार के कत्ल करने वाले मुलजिम अकमल को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। आज सुबह 10 बजे के करीब इतला मौसूल हुई कि कसूरी चौक पर मोहम्मद सलीम को मुलजिम अकमल ने सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। वकूए की इतला पर पुलिस थाना न्यू मुल्तान ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने वकूए का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। CPO मुल्तान खुरम शहजाद हैदर ने वकूए का नोटिस लेते हुए मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, जिस पर SP गुरगज डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की जेरे निगरानी DSP हमाद नबी की सरबराही में SHO थाना न्यू मुल्तान ऑन अब्बास ने सब इंस्पेक्टर मुदस्सिर हुसैन और अपनी टीम के हमरा मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस थाना न्यू मुल्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी समेत तमाम दिगर वसाइल ब्रोय कार लाते हुए मुलजिम अकमल को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि मकतूल इसका चचाजाद भाई था और इसकी बीवी के साथ नाजायज तालुकात के शुबे में सर में गोली मारकर कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई पुलिस अमल में लाई जा रही है। मुलजिम की बरवक्त गिरफ्तारी पर CPO मुल्तान खुरम शहजाद हैदर ने कार्रवाई में शामिल तमाम पुलिस अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। बैठक न्यूज HD से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। घंटी का निशान प्रेस करना ना भूलें। घंटी का निशान प्रेस करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहेगी।